नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुन दीआं खबरां। वधी गर्मी ते बिजली की पैदावार च कमी आने नाल पंजाब च बिजली का संकट होर डूंघा होया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों अज तो सरकारी दफ्तर सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खोलण दे हुकम जारी। फसलां बचाउण ते घरेलू खपतकारां नूं राहत देण लई बिजली की वध खपत वालियां सनअतां दी बिजली सप्लाई च कटौती करन दा फैसला। बिजली विभाग के मुलाजमान दीआं शिकायतां ते मंगां नूं सुलझाउण लई 3 मैंबरी कमेटी का गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि निजी भाईवाली नाल बनाए गए हस्पतालों च कोविड की तीजी लहर नाल निजिठण विच वधेरे सहायता मिलेगी। थल सेना मुखी MM नरवणे ने कहा कि ड्रोन की आसानी नाल उपलब्धता ने सुरक्षा बलों सामने नवीं चुनौतियां खड़िया कर दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरों नाल निजिठण लई समर्थावां विकसित कीतियां जा रही ने। लुधियाना की 14 साल की नामिया जोशी ने युवा खेत्र का वकारी डायना पुरस्कार जितया। कोविड महामारी का प्रकोप घटने उपरंत माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शनों श्रद्धालुओं की गिनती च भारी वाधा। पहले 6 महीनों दौरान 18,88,000 श्रद्धालुओं ने गुफा के किए दर्शन। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज तो सूबा सरकार दे सारे ही दफ्तरां दा समां घटाउण दे हुकम जारी कीते ने। सूबे च गर्मी दे वध रहे प्रकोप अते बिजली दे फीडरां ते सब स्टेशनां च ओवरलोडिंग नाल बिजली दी सप्लाई प्रभावित होण कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करने लई चंडीगढ़ च हुई एक उच्च पदरी बैठक दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की घाट नाल निजिठण लई अज तो सरकारी दफ्तर सवेरे 8 बजे तो 2 बजे तक काम करनगे। उन्होंने कहा कि इस दे नाल ही बिजली की वध खपत वालियां सनअतां की सप्लाई विच भी तुरंत प्रभाव नाल कटौती की जाएगी तां जो फसलों नूं बचाउण दे नाल नाल घरेलू बिजली सप्लाई च राह दित्ती जा सके। मुख्यमंत्री ने सारे ही सरकारी दफ्तरां नूं बिजली की वरतों सुचजे अते किफायती ढंग नाल करन दी अपील करदिआं दस्सिआ कि सूबे च बिजली दी मंग 14,500 MW तक पहुंच गई है, जिस नाल स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। मीटिंग बारे एक सरकारी बुलारे ने होर जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि सरकार ने सरकारी दफ्तरां च एयर कंडीशनरां दी वरतों ते पाबंदी लगाउण दा कोई फैसला नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के प्रदर्शनकारी मुलाजमान नूं अपना संघर्ष खत्म करने की अपील करदिआं आख्या कि उन्हां दे संघर्ष नाल बिजली का संकट होर डूंघा हो जाएगा, जिस कारण फीडरां ते सब स्टेशनां दी ओवरलोडिंग कारण बिजली च नुक्स पैण दीआं शिकायतां नूं तेजी नाल निपटाउण काम च मुश्किलां पेश आ रही ने। मुख्यमंत्री ने बिजली की स्थिति से नज़र रखने लिए विकास बारे वधीक मुख सकत्र पंजाब पावर कारपोरेशन के CMD वित्त विभाग के विशेष सकत्र से आधारित 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया जो प्रदर्शनकारी मुलाजमान दी शिकायतों का हल कढ़ेगी। उन्होंने मुलाजमान यकीन दवाया कि मुलाजमान दी जायज़ मंगों पर विचार किया जाएगा तो बनती कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे बिजली के वार बार कट लगन कारण किसानों झोना लगाने के काम च मुश्किलों का सामना करना पै रहा है और उन्होंने समा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेतीबाड़ी खेत्र नूं बिजली दी निर्विघन सप्लाई नूं हर हालत विच तरजीह दित्ती जाएगी। उन्हां सूबे दे खेतीबाड़ी घरेलू अते सनअती खपतकारां नूं सबसिडी नाल निरंतर बिजली सप्लाई देण दी अपनी सरकार दी वचनबद्धता दोहराई। रेल कोच फैक्टरी कपूरथला वालों ग्रीन ऊर्जा पहल अधीन अपने प्रशासनिक भवन की छत से सौर ऊर्जा का पैनल लगा के सूरजी ऊर्जा पैदा करने की अपनी समर्था च वाधा किया गया। रेल कोच फैक्टरी वालों 100 किलोवाट बिजली पैदा करने वाला पैनल पहला ही मौजूद है। RCF ने रेस्को मॉडल अधीन 900 किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना बनाई है। इस योजना तहत 151.38 किलोवाट की समर्था वाला प्लांट चालू किया गया। रेल कोच फैक्टरी के सुदम नाल हर साल 6,18,288 रुपए की बिजली की बचत हो सकेगी। रेल कोच फैक्टरी के प्रबंधक अनुसार सोलर पैनल लगाउण दा बाकी रहिंदा काम भी तेजी नाल जारी है अते फैक्टरी दीआं वख-वख थावां ते इन्हां नूं छेती ही चालू कर दिता जाएगा। ये सोलर पैनल तकनीकी सिखलाई केंद्र लाला लाजपत राय हस्पताल सीनियर सैकेंडरी स्कूल अते होर थावां ते लगाए जा रहे ने। इन्हां पैनलां राहीं कोई 39,42,000 की बिजली की बचत की जा सकेगी। रेल कोच फैक्टरी के इन्हां उपरालिआं नूं ग्रीन ऊर्जा वल जाण दी इक वड्डी कोशिश वजों देखा जा रहा है। कुछ फैक्ट्री शुरू से ही ग्रीन एनर्जी पर काम लगातार करती आई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकें। इसी के तहत RCF ने आज से 2 साल पहले अपने प्रशासनिक भवन की छत पर एक 100 किलोवाट
का सोलर पैनल लगाया था, उस पहल को और आगे बढ़ाते हुए रेल कोच फैक्ट्री ने रेस्को मॉडल के तहत 900 किलोवाट का एक और सोलर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत हमने पहले चरण में अभी हाल ही में 151.38 किलोवाट पावर का सोलर पैनल चालू कर दिया है तथा दूसरे चरण में बाकी तकरीबन 750 किलोवाट पावर का सोलर पैनल भी हम स्टार्ट करेंगे। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बंगलुरु च कोविड मरीजों लिए बनाए गए बोइंग फील्ड हस्पताल का दौरा किया। निजी भागीदारी बनाए गए 100 बिस्तरों वाले इस हस्पताल वाले ICU और HDU तो इलावा होर सारिया लोड़ीदियां सहूलत भी उपलब्ध ने। सीतारमण ने कहा कि निजी भाईवाली बनाए गए इस तरह के हस्पतालों कोविड महामारी नजिठण वधेरे मदद मिलेगी। इस हस्पताल नूं सिर्फ 20 दिनां च तैयार किया गया ते बोइंग इंडिया सेलको फाउंडेशन ते डॉक्टर्स फॉर यू ने इस योजना नूं मिलके मुकम्मल किया है। खजाना मंत्री ने आख्या कि निजी भाईवाली नाल बनाए गए अजे हस्पताल कोविड दी तीजी लहर विच वधेरे सहाई साबित होणगे। Every state gets allocation as per the intensity of the attack, as per the density of population and the number of vulnerable population. And the central government supplies it well in advance so that they can announce as to how much is being given 7 days prior to the availability. संगरूर जिले च पैंदे पिंड देह कला ने पिंड विच 100% टीकाकरण का टीचा हासिल कर लिया है। जिले के डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने दसिया कि पिंड देह कला की आबादी 849 है, जिन्हां विचों 245 लाभपात्री 45 साल तो वध उम्र के ने। उन्हां दसिया कि इस पिंड के 45 साल तो वध उम्र वर्ग के सारे ही लाभपात्रियों का टीकाकरण मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने इस प्राप्ति लिए सेहत विभाग के अमले ते संगरूर के SDM की शलाघा की। उन्हां आख्या कि देह कला पिंड की पंचायत विशेष विकास ग्रांट लई योग बन गई है। उन्हां होरना पिंडां नूं वी अपील कीती है कि कोरोना मुक्त पिंड अभियान तहत 100% टीकाकरण लई अपनी पूरी वाह लाउण तां जो कोरोना दा खात्मा कीता जा सके। इह कलां पिंड दे विच जिहड़ा हैगा 45+ ओह तां 100% वैक्सीनेशन हो गया, 18+ दा वी 50% तों वध हो गया। साडा टीचा हैगा कि जिहड़े वल्नरेबल ग्रुप्स हैगे शहरां दे विच, जिवें ज़्यादा मूवमेंट हुंदा है संगरूर सुनाम धूरी जिते ज़्यादा केसिस साडे आए हैगे, अगले हफ्ते 10 दिनों के उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा टीका लगा के कोविड की चेन ब्रेक करने की असी कोशिश करांगे। देह कलां पिंड दे सरपंच ने दसिया कि लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझदिया उन्हां दी गल मन्नी अते बड़े उत्साह नाल टीके लगवाए। मैं रविंद्रपाल सिंह गर्चा ग्राम पंचायत पिंड देह कलां, साढ़े पिंड 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। लोगों ने पब्लिक ने इन्ना सहयोग दिता पिंड वासियों ने सारे पतवंत सज्जणा ने कि बहुत ज़्यादा अपने उत्साह 100% आपकी वैक्सीन कराई है। पिंड के वक् वक् लाभपात्रियों ने भी कोरोना टीका लगन से खुशी जाहिर की। परमजीत सिंह साबका मैंबर जी पिंड देखला जी, जो साढ़े कैंप लगे थे टीकाकरण का जी बहुत वधिया लग्या जी, बहुत वधिया करया जी। साढ़े आए थे जो मेहमान जी उन्होंने बहुत वधिया साडा करया जी। अमरजीत सिंह जी, मैं BP की मैं गोली भी खाता जी, ऐसे टीके लगे ने बहुत वधिया टीके ने। मैं गगनदीप सिंह वासी देखला जिला संगरूर जी, तो साढ़े पिंड SDM साहब तो सरपंच साहब वालों जी टीकाकरण करवाया गया, उस मुहिम तहत मैं भी टीकाकरण करवाया जी, उसके बहुत वधिया नतीजे हुए ने जी, तो मैनू कोई दिक्कत नहीं आई जी। थल सेना मुखी MM नरवणे ने कहा कि ड्रोन की आसानी नाल उपलब्धता ने सुरक्षा बलों सामने नवीं चुनौतियां खड़ियां कर दित्तियां ने। थल सेना मुखी का यह बयान 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से हुए ड्रोन हमले तो बाद आया है। भारत च पहली बार एक सुरक्षा अदारे नूं निशाना बनाने लई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले नूं लैके कई तरह दीआं चिंतावां भी जाहिर कीतीआं गईआं ने। उन्हां आख्या कि ड्रोन के खतरियां नाल निजिठण लई समर्थावां विकसित कीतीआं जा रहीआं ने। नरवणे ने कहा कि भारत अते पाकिस्तान विचाले गोलीबंदी का समझौता होण तो बाद कंट्रोल रेखा से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। थल सेना मुखी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साड़ी अतवाद नाल निजिठण अते घुसपैठ नूं रोकण दा तंत्र पूरी तरह नाल मजबूत है। उन्हां आख्या कि पाकिस्तानी इलाके तों भारतीय खेतर विच घुसपैठ ना होण कारण कश्मीर विच अतवादियों की गिणती भी घट हुई है। उन्हां आख्या कि शांति अते विकास की प्रक्रिया च विघन पाउण वालियां ताकतां हमेशा इस ताक विच रहिंदियां ने कि किवें शांति नूं भंग कीता जावे। थल सेना मुखी ने आख्या कि सानूं भविख विच किसे भी तरह की जंग दौरान
विरोधी धिर वालों ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने सख्त नज़र रखनी होगी। भविख लिए ड्रोन दुनौतियों ध्यान में रख के योजनावां बनाया हो। नरवणे ने कहा कि ड्रोन के हमलावर इस्तेमाल और खतरे को टालने लिए एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लुधियाना की 14 साल की नाविया जोशी ने युवा खेत्र का वकारी डायना पुरस्कार हासिल किया है। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्यां के नौजवानों और बच्चों दूजियां की जिंदगी महत्वपूर्ण तब्दीलियां लियाने लिए किए गए कम के खेत्र में दिता जाता है। नामियां वालों यह पुरस्कार हासिल करन ते उसके मापिया ते अध्यापकों ने इस प्राप्ति ते खुशी जाहिर की है। दूरदर्शन खबरों नाल गल करदे नामियां ने कहा कि मनुख जाति दे भले लई तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नामियां वालों गेम आधारित लर्निंग 1,000 अध्यापकों ते विद्यार्थियों नूं सिखलाई दी गई है। नामियां जोशी ने इस वरे प्रधानमंत्री कौमी बाल पुरस्कार भी जितया सी। है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ सतपाल मित्र स्कूल लुधियाना पंजाब में। मेरे को अभी रिसेंटली डायना अवार्ड 2021 मिला है और उसके लिए मैंने एक गेम है जिसका नाम है माइनक्राफ्ट और मैंने उसके अंदर एजुकेशनल लेसन्स क्रिएट करे हैं क्योंकि मेरे को लगता है और मैंने देखा भी है कि क्लासेस में रीडिंग से सारा कुछ समझ नहीं आता और जब हम देखते हैं विजुअल लर्निंग से हमें सब कुछ अच्छे से समझ आता है क्योंकि हमें देखने से उसमें क्यूरियोसिटी होती है और हमारा ब्रेन भी चीज़ें ऐसे कैप्चर करती है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बोलूँ जैसे कैट, तो आपको ब्रेन के अंदर एक कैट की इमेज आएगी ना कि CAT। तो ऐसे ही पिक्टोग्राफिक मेमोरी और पिक्टोग्राफिक चीज़ देखने से आपको समझ आता है। तो पहले तो मैं सिंपल लेसन्स बनाती थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, उसके बाद मैंने एक्सटेंशन ऐड किया और मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी लेसन्स बनाती हूँ क्योंकि मैं एक टीच SDG एम्बेसडर हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी इन्वायरमेंट और बाकी सब ठीक रहे। तो लोग सुनते बहुत हैं कि हमें सोसाइटी को सेफ रखना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, पर हम भूल जाते हैं। वही बार हम देख लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है और हमें सोल्यूशन में क्या करना चाहिए, तो फिर हमारे अंदर ऐसे होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। मुझे अभी तो इस वक्त बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमेशा ही इस पर प्राउड फील होता है। एंड एज अ मदर मैं फ्रेंड इसकी पहले ज़्यादा हूँ और मदर बाद में, और जो भी है हमारी आपस में जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशंस होती हैं आपस में हम मिलके बैठ के काम करते हैं और जिस तरह ये मींस लाइक अपनी सजेशंस देती है मुझे जहाँ नहीं ठीक लगता मैं अपनी सजेशन इसको देती हूँ। बट देन देश के होर हिस्सों वांग जम्मू कश्मीर में भी कोविड मरीजों की गिनती घटन उपरंत माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शनों लिए श्रद्धालुओं का आना लगातार बढ़ रहा है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक बुलारी ने दसे कि इस साल के पहले 6 महीनों दौरान 18 लाख तो वध श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दे पवित्र गुफा के दर्शन किए। बुलारी ने दसे कि जून के पहले अद्ध दौरान प्रतिदिन 2,000 से 3,000 तक ही श्रद्धालु भवन से पहुंचे और उन्होंने गुफा के दर्शन किए, जबकि दूजे अद्ध में श्रद्धालुओं की गिनती 8,000 से 9,000 तक प्रतिदिन पहुँच गई। बुलारी ने दसे कि इस साल के पहले 6 महीनों दौरान 18,88,000 श्रद्धालुओं ने गुफा के दर्शन किए। बुलारी ने आखे कि इस महीने 6 होर नवीं रेलगड्डियां शुरू होने नाल श्रद्धालुओं की गिनती च वधेरे वाधा होने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक वालों 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके बैंक की जलंधर विचली खेतरी कारोबारी शाखा वालों शहर में 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक 5,000 बूटे लाने की मुहिम शुरू की गई। जलंधर के मेयर जगदीश राजा ने ESI हस्पताल विखे बूटा लगा के बैंक की वातावरण हरा भरा रखने की मुहिम की शुरुआत की। इस मौके मेयर जगदीश राजा ने बैंक की इस पहलकदमी की शलाघा करद कि वातावरण साफ सुथरा रखने सू वातावरण की सामभ संभाल सरकार का सहयोग करना चाहिए। बैंक के खेतरी मैनेजर प्रदीप कुमार ने दसे कि इस मुहिम तहत शहर के वक्त स्थानों से लड़ीवार ढंग बूटे लगाए जाएंगे। इस मौके मुख प्रबंधक जतेंद्र मोहन कालिया, संजीव चौधरी, आनंद वीर सिंह भला ते उप प्रबंधक पवन बसी मौजूद सन। तो इस खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।